हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। द क्वेश्चन नंबर इज 12, विच इज एक्स रेस टू द पावर वाई प्लस वाई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, अगेन फंक्शन रेस टू द पावर फंक्शन इज हेयर, सो वी कैन टेक एक्स रेस टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू यू एंड वाई रेस टू द पावर एक्स इज वी। सो वी हैव यू प्लस v is equals to 1. Now differentiating both with respect to x, we have du over dx plus dv over dx is equals to 0. Okay, this is called equation 1. Okay, now let us differentiate u. u kya tha, dekhiye aapne kya write kiya hai, u is equals to x raised to the power y. Now taking log on both the side, okay, log on both side, राइट जैसे आप लॉग कंसीडर करेंगे सो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x रेस टू द पावर y, एंड x रेस टू द पावर y की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, लॉग m रेस टू द पावर n, प्रॉपर्टी m लॉग n, क्लियर। नाउ डिफरेंशिएटिंग, सॉरी ये n की प्लेस पे x होगा, ये x है। नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, now differentiating with respect to x, we have log u hai, log u ka derivative 1 by u and du over dx is equals to y into log x hai, product rule lagega, y as it is d over dx of log x plus log x as it is and d over dx of what, y, so ye y ho jayega, क्लियर। यहां से du बाई dx क्या आएगा, du बाई dx इज इक्वल टू u इन ब्रैकेट y एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, y बाई x प्लस log x एंड dy ओवर dx, क्लियर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, वी हैव u इज इक्वल टू x रेस टू द पावर y, सो du ओवर dx इज इक्वल टू x रेस टू द पावर y इन ब्रैकेट y by x plus log x and dy over dx. Now this is called equation number 2. Okay, now let us take v. Where is v? V is equals to what, y raised to the power x, taking log on both the side. For this one we have log v is equals to, main direct put karta hu, kya aayega iske according, jaise y log x था यहाँ पे आएगा x log y, okay? Now differentiating both the side, we have, okay? On differentiating both side, we have log v का derivative 1 by v and v का dv by dx. Chain rule लगा, first second product rule लगेगा, x as it is d over dx of log y प्लस लॉग वाई एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ये इतना आएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा, मैं इस साइड इसको इरेज करता हूँ, देखिए क्या आता है, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ मैं, और मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, मुझे इस स्टेप की नीड होगी, राइट, इसको लिखा रहने देते हैं, रिमेनिंग टर्म्स को मैं यहाँ से इरेज किया दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए अब क्या आता है, ये सो वी हैव 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज 1 बाई वाई एंड वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, क्लियर। सो वी डी वी ओवर dx is equals to v इस साइड ट्रांसपोज होकर क्या आएगा, और v की वैल्यू क्या है, y raised to the power x, पुट कर देते हैं, y raised to the power x in bracket x upon y dy by dx plus log y, it is considered as equation number 3. Now putting the value of equation 2 and equation 3 in equation 1, we have d u over dx,
राइट, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, सो ये आएगा एक्स रेज टू द पावर वाई इन ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस दिस वन वाई रेज टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये आ गया इतना। अब किसके इक्वल है ये? जीरो के। हमें फाइंड करना है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को कॉमन कर लीजिए, रिमेनिंग टर्म को एक साइड कर लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके सो देखिए अब क्या आता है, क्वेश्चन आपका चेंज हो करके वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स है, उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर ले, पावर माइनस वन कर लेते हैं, प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स एंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई रेज टू द पावर एक्स इंटू वाई एक्स, वाई को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे, वाई रेज टू द पावर माइनस वन एंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y रेज टू द पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू जीरो। ओके डी वाई बाई डी एक्स को हम एक साइड करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये टर्म आएगा x रेज टू द पावर y लॉग x एंड दिस वन प्लस x, देखिए ये पार x है, ये पार माइनस वन है y की, तो वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y रेज टू द पावर x माइनस वन, क्लियर, इज इक्वल टू जो टर्म इधर है उसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब ये अच्छा आएगा तो टर्म्स हमारे क्या आएंगे, ये एक्स की पावर वाई है, ये एक्स की पावर माइनस वन है, तो एक्स की पावर वाई बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वाई माइनस वन हो जाएगा, यानी माइनस एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, क्लियर, और ये टर्म इधर जाएगा, सॉरी ये वाला माइनस y रेज टू द पावर x log y, क्लियर। अब हमें dy वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से माइनस आ जाएगा आपका, देखिए माइनस और dy माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर ले हम, आप चाहे तो y भी कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से y भी मिल सकता है, बट आप कॉमन ले भी सकते हैं या मत लीजिए, आप चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए, हमें छोड़ देते हैं, माइनस बाहर ले लिया हमें, सिंपल ये आएगा एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई रेज टू द पावर प्लस हो जाएगा लॉग वाई अपॉन, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्या एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन, ये आपका हो जाएगा आंसर। सो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।